चलो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो एक होने वाली है फन सॉर्ट ऑफ अ व्लॉग। एक्चुअली आज मैं जा रही हूँ एक इनवाइट पे, जहाँ पे मैं और कुछ और फूड ब्लॉगर्स को इनवाइट किया गया हुआ है। तो हम वहाँ पे जाएंगे एंड वी गोना हैव फन देयर, और मैं आप सबको वहाँ लेकर चलूंगी एंड आपको बताऊंगी कि हम ऐसे फॉर्मल इनफॉर्मल मीटअप पे क्या करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो मिलती हूँ ऑन अदर साइड। तो यार मैं निकलने लगी हूँ अभी इस टाइम पे एंड सी व्हाट हैपेंड। ये जो गंदा सा पहले से स्टेन लग गया है एंड अभी मेरे पास चेंज करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, सो आई एम लीविंग राइट नाउ। और यार सैनी कॉलोनी जाना है बट मुझे उसकी लोकेशन एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ पे है। एंड ऑल्सो आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों चल रही हूँ, ऐसा ऐसा हमारी जो ये है गली है वो बन रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, टूटा हुआ। तो चलो अब मैं आपको मिलती हूँ। सो या गाइज, आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स द डोर्स जो पड़ता है सैनी कॉलोनी के सेक्टर डी में, नियर लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल। वेरी टेस्टी, बहुत फ्लेवरफुल है। जो मलाई का टेस्ट है एकदम अंदर तक गया हुआ है। ये तो अदरवाइज क्या होता है कि बड़ी सारी जगहों पर हम ट्राई करते हैं उसमें क्या होता है कि हमें मलाई का टेस्ट नहीं आता है, जैसे लाइक कि हाँ चिकन है और उसके ऊपर मलाई लगा दी, बट इट इज़ वेरी गुड। एकदम मलाई अंदर तक गई हुई है, मैरिनेशन सो गुड, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये रहा हमारा मशरूम टिक्का। मशरूम तो मेरे फेवरेट है, तो अगर ये अच्छे नहीं हो तो दिल टूट जाएगा इस वे। स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, मतलब जैसे ही मैंने मशरूम को डाला मुंह में इतना अच्छा सुंदर सा अरोमा उसका आया है। सुंदर सा क्या होता है, टेस्टी सा अरोमा उसका आया है, बट बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं और मशरूम काफी ज्यादा टेंडर है। मैरिनेशन अगेन काफी अच्छी है, वेरी नाइस, सॉफ्ट सी मशरूम काफी। मेरे फेलो फूड ब्लॉगर्स जो एकदम आनंद लेते हुए मलाई सॉरी नॉट मलाई अफगानी चिकन, एक ने तो पूरे हाथों से खा खा के अब वीडियो के लिए फोक उठा लिए। तो बताओ कैसा लगा आपको टेस्ट? लेट मी टेस्ट नाउ। अच्छा पूरा चिकन खत्म करने के बाद लेट मी टेस्ट नाउ। सो ये सामने सामने चोरी होते हुए है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बट वही जैसे हमारा खाना तो ऑब्वियसली ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है उसकी वजह से। हाँ उसके बाद भी वो हमें टेस्टी लगा है। अभी हमारा चिकन टिक्का बन रहा है, तंदूर में गया हुआ है एंड वी आर वेटिंग फॉर दोज टिक्कास। और ये हमारे और दो फूड ब्लॉगर्स बस देखते हुए क्योंकि इन्होंने अपने चिकन टिक्का खत्म कर नॉट चिकन टिक्का ओ गॉड समबडी किल मी अफगानी चिकन खत्म कर दिया है। तो
रही है. वी आर वेटिंग फॉर देयर चिकन टिक्कास. इट्स अ साइकिल. सबसे पहले हमें खाने की पिक्चर्स क्लिक करनी है, फिर अपनी भी खाने के साथ पिक्चर्स क्लिक करनी है. सो गाइस, दिस इज मलाई चाप. बहुत टेम्पटिंग लग रही है. ये रहा हमारा चिकन टिक्का. थोड़ा सा नींबू डालेंगे, ठीक है. और ये है पनीर टिक्का. यार ये इतना सुंदर लग रहा है ना, तो देखने से ही टेस्टी लग रहा है. लेट्स सी कैसा है. सब पहले मलाई चाप ट्राई कर रही हूँ. मैरिनेशन ऑन पॉइंट. जो मलाई है एकदम बहुत ज़्यादा उसका अच्छा टेस्ट है. मिंट चटनी टेस्टी है. और मेरे पीछे से फूड ब्लॉगर शोर मचा रहे हैं. उन्होंने उनको बोला है कि शोर नहीं मचाना है, फिर भी शोर मचा रहे हैं मेरे. सॉरी सॉरी भी कर रहे हैं. क्या कर सकते हैं. बट मेरे लिए थोड़ा सा इसका नमक ना थोड़ा सा हायर साइड पे है. बट अदरवाइज फ्लेवरफुल, एकदम अच्छे से मैरिनेटेड है. मतलब मुझे तो इनकी सारी चीज़ें जो है ना बहुत टेस्टी लग रही हैं. बहुत अच्छे इनके फ्लेवर्स हैं. मतलब कोई कमी नहीं निकाल सकते हो इसमें. मैंने कुछ छोटी सी कमी निकाल ली है कि नमक ज़्यादा थोड़ा सा वो हम अवॉइड कर सकते हैं. पनीर इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है. मसालेदार मस्त एकदम. इन द मेन कोर्स वी हैड राड़ा चिकन, मटन रोगन जोश, मलाई कोफ्ते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नान्स, सैलेड, जीरा राइस. सो लेट्स टेस्ट आवर मेन कोर्स. तो फाइनली ये आ चुका है हमारा मेन कोर्स. मेन कोर्स में आ गया है हमारे पास मटन रोगन जोश, ये है हमारा मलाई कोफ्ते और राड़ा चिकन. सबसे ज्यादा सुंदर हमें जो लग रहा है वो है राड़ा चिकन. तो आई एम ऑलरेडी ड्रूली. मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करूंगी और आपको बताती हूँ कैसा है, ठीक है. मेरा मेरा नान मलाई कोफ्ता. मुझे मलाई कोफ्ता इतना अच्छा नहीं लगता बिकॉज ये थोड़ा सा मीठा होता है. मतलब यार थोड़ा सा क्योंकि मलाई है. आई होप ये अच्छा हो और मेरे ये थॉट्स चेंज हो जाएं, है ना. इट्स सो गुड. दिस इज हमारा रोगन जोश. नहीं पसंद है मलाई कोफ्ता. अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगेगा. बट ऑब्वियसली मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता. लास्ट में रोगन जोश. मेरे बाकी फूड ब्लॉगर मुझे देख रहे हैं कैमरा मैन को गंदी सी शक्ल बना रही है क्योंकि मैं बहुत सारा टाइम बना रही हूँ. रोगन जोश बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा. हाय गाइस, तो मैं लाइक द डोनट.
है खाना खाने के बाद हालत सबके पेट निकलते हुए और नींद आते हुए टोटल। सो या गाइस, दीस ऑल आर फूड ब्लॉगर्स, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। तो बहुत अच्छा ज्यादा टेस्टी फूड था, सब कुछ बहुत टेस्टी था एक्चुअली। स्नैक्स टू मेन कोर्स, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। सो ये मत सोचिएगा कि हमें इनवाइट है सो वी आर सेइंग ऑल दैट स्टफ, इट इज एक्चुअली वर्थ द ट्राइंग। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा कि यार इनवाइट है तो हम भाई कुछ भी बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। सो या जेन्युइनली वी लव योर फूड, बहुत अच्छा था खाना सब कुछ। सो वंशिका, यू ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस। बहुत ज्यादा अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। ओके, सो मैंने इन सबके इंस्टा हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डू फॉलो देम आई एज वेल, मुझे भी कर लेना इंस्टाग्राम पे। सब्सक्राइब करो, गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं ऐसे ही फन व्लॉग्स और आगे लेके आऊंगी। आई होप आपको अच्छी लगी वो वीडियो। सो या दैट्स ऑल, बाय। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय। मेन कोर्स में मिला अभी नहीं, मैंने कहा आपको यार रुक जाओ।